गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, मतलब आप सभी के लिए आपको कुछ गाइड करने वाली हूँ मैं अपने बालों से रिलेटेड। देखिए जो हमारे बाल है ना वो हमारी सुंदरता का कारण है। अगर आप लोग सुंदर दिखना चाहते हैं ना तो आपके जो बाल हैं उससे आप अपने सुंदर दिखते हो। आपको पता आप जब शादी में वगैरह में जाते हैं तो हमेशा आप हेयर स्टाइल्स अच्छी से अच्छी हेयर स्टाइल बनाते हैं, पूरा फेस का तो मेकअप कर ही लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अच्छी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपका लुक अलग ही लगता है। अगर आप पूरे तैयार हो गए ठीक है एंड आप बालों पे क्या करो तेल लगाकर चोटी बांध लो ब्रेड और पीछे छोड़ दो और पूरा मेकअप है और शादी में चले जाओ, आप जाएंगे? कोई भी शादी में नहीं जाएगा, है ना? है ना, वो मेकअप जो आपने अगर 5000 देखे या 10000 देखे मेकअप करवाया ना उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बाल कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इम्पॉर्टेंस ऑफ योर हेयर। ओके, तो बालों की जो इम्पॉर्टेंस है उसको थोड़ा सा समझते हैं आज की वीडियो में। एंड ये वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ, बिकॉज मैं 2-3 दिन पहले ही व्लॉग्स देख रही थी, है ना, जो भी मेरे एक दो हैं पसंदीदा यूट्यूबर जिनका मैं व्लॉग देख रही थी। एंड मैं व्लॉग ही देखती हूँ, बाकी कुछ नहीं देखती, और वो भी मुझे टाइम होता है तो देखती हूँ। तो मैं व्लॉग देख रही थी उनका, मैं देखो नाम तो नहीं ले सकती एंड वो यहाँ इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। ओके, इतना बता देती हूँ, वो बाहर की है, इंडिया की नहीं है। तो उनका मैं व्लॉग देख रही थी, तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने हेयर पे ट्रीटमेंट करवाया है ना। फर्स्ट टाइम वो अपने हेयर पे कलरिंग करवाने गई तो उनका हेयर कलर पूरा बिगड़ गया। ओके, पूरा ख़राब कर दिया उसने। फिर वो दोबारा फिर हेयर ट्रीटमेंट करवाने गई वापस से कलर, फिर उनका कलर उसने किया तो वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हुआ। तो मुझे इतना ज़्यादा, मैं सोच रही थी कि यार मतलब लोग कैसे करवा लेते हैं ये ट्रीटमेंट, ये सारा कितना केमिकल ट्रीटमेंट होता है पता है। जब वो स्मूथनिंग करते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, मतलब ये जब करते हैं ना इतना केमिकल्स आपके बालों पर स्कैल्प पर लगाकर आपको बिठा देते हैं कि अब आप आधे घंटे बैठ जाओ, एक घंटे बैठ जाओ। एक घंटे तक अगर आपके सिर में केमिकल पड़ा है आप सोचिए आपके बालों की जड़ों की क्या हालत होती होगी। वो सारा केमिकल अंदर जाता है पोर्स के थ्रू बालों के अंदर, है ना, स्कैल्प के अंदर, एंड आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देता है कि वो बेचारे दोबारा बाल ग्रो करने की हिम्मत भी नहीं रखते होंगे, इतना ज़्यादा उनको पूरा कमज़ोर कर देता है। और आप लोग जब कैरेटिन ट्रीटमेंट, रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग करा के जब आप बाहर आते हो सैलून में और ऐसे ऐसे उछाल उछाल के अपने बालों को दिखाते हो सबको, है ना, उस वक्त तो गाइस आप लोग खुश हो जाते हो। फिर निकलता है टाइम 1 महीना 2 महीना एंड उसके बाद में जब आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना उस वक्त आप चाहे पार्लर चले जाओ ना तो वो कुछ कर पाएंगी, ना आप डॉक्टर्स के पास चले जाओ ना वो कुछ कर पाएंगे। और आपको इतनी टेंशन होती है, इतनी परेशानी होती है कि अब हेयर फॉल को कैसे रोका जाए। एंड हेयर फॉल का वजह यही है कि आपने अपने बालों को इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो एक टाइम आया कि वो आपके सारे बाल हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए। एंड घर में शादी है, कोई भी फंक्शन है, सीधा सब लोग गर्ल्स क्या करती हैं, पार्लर जाती हैं और अपना हेयर अच्छे से हेयर कटिंग करवाती हैं। ठीक है, कटिंग करवाना एक अलग चीज़ है, तो उसके बाद में फिर हेयर स्ट्रेट करवाएंगे, वो भी हाई हीट के साथ में आपका पता है हेयर स्ट्रेट किया जाता है, तो इससे आपके जो बाल है ना वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, बाल है वो पतला हो जाता है। ओके, एंड आप ये जब बार बार करवाते हो, कोई भी फंक्शन में करवाया फिर थोड़े दिन बाद और करवा लिया, जैसे ही बार आपके नॉर्मल होने लगे तो फिर तो आपको बाल ख़राब लगेंगे, तो आप फिर से करवा देते हैं, इससे आपके बाल है ना वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाते हैं। एंड हेयर स्मूथनिंग जब करवाते हैं, पता आपको हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं वो हेयर के ऊपर बालों के ऊपर एमिनो एसिड है ना उसकी पूरी लेयर लगाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, वो आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अगर आप बार बार ये चीज़ें करवाएंगे तो आप खुद सोचिए बाल कितने ज़्यादा डैमेज होते हैं। एंड हेयर स्मूथनिंग अगर आप बार बार कराते हो तो आपके जो क्यूटिकल्स हैं ना वो पूरे डैमेज हो जाते हैं, और जब क्यूटिकल्स डैमेज हो जाएंगे तो उससे हेयर की ग्रोथ नहीं होगी, बाल कैसे ग्रो करेंगे फिर, मतलब जड़ें ही खराब कर दी आपने तो फिर आपका पेड़ उगेगा क्या? नहीं उगेगा ना। तो बस वही चीज़ है, इसलिए आपको अपने बालों की केयर करने के लिए स्ट्रेटनिंग है, हेयर स्मूदिंग है, कैरेटिन ट्रीटमेंट है, ये सब नहीं करवाना। अब कैरेटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको पता है क्या होता है कैरेटिन एक तरह का, आप जब पार्लर जाते हैं तो आपके बालों में कैरेटिन करवाया जाता है, आप बोलते हैं पार्लर में जाके कैरेटिन, पार्लर में जो कैरेटिन होता है वो हाँ वो आपको हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं वो आपके बालों में, लेकिन वो भी प्रोटीन
ऐसा तो नहीं है ना कि नेचुरल प्रोटीन है उनके पास, उनके पास वही केमिकल से बनाए हुए प्रोटीन है, वो आपके बालों पे लगा के एक एक घंटे छोड़ देते हैं, तो उसमें केमिकल ही है ना, तो आपके बाल ख़राब ही होते हैं। इससे बेस्ट सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप घर की नेचुरल DIYs करिए। मेरे चैनल पे कितने मैंने प्रोटीन के पैक दिए हैं, आई नो कि वो उसके मुकाबले वैसा रिजल्ट नहीं देंगे, जैसे आप पार्लर में जाके केराटिन ट्रीटमेंट करा के आओगे तो आपके बाल कितने ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे यूट्यूब पर ही देख लो, आप काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा होगा और भी बहुत सारे लोग जिनके बाल इतने मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब वो लर लर करते हैं, आप ये समझ लो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा स्मूथ, 100% उन्होंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट स्मूथनिंग करा रखी है, ठीक है, रिबॉन्डिंग ये सब करा रखा है। आप ये मत सोचो यार इनके बाल तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे किसी के बाल नहीं होते, नेचुरल जो हेयर होता है ना वो ऐसे होते हैं, हल्के से वेव होते हैं बालों में, एकदम स्ट्रेट बाल आपको नज़र आ जाए ना, जिसका भी एकदम स्ट्रेट बाल, समझ जाना उसने पार्लर जाके अपने बालों पे कुछ ना कुछ केमिकल करवाया है, केमिकल ये सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जो हेयर होता है वो ऐसे ही होते हैं, और नेचुरल हेयर ये अगर इनसे अगर आप खुश नहीं हो ना तो फिर आप करा के देख लो, आपके बालों की सत्यानाश होने वाला है, समझ ले, सही बोल रही हूँ मैं। इसलिए अपने नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन की बहुत सारी, मैंने अपना DIY केराटिन ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया, वो करिए, प्रोटीन के इतने सारे मास्क हैं मेरे चैनल पर, वो करिए, पूरी एक प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज़ बनी हुई है प्रोटीन के नाम से, प्रोटीन ऑयल दिया मैंने, प्रोटीन का पैक दिया है, जेल दिया है, हेयर वॉश दिया, प्रोटीन टोनर दिया, मतलब प्रोटीन की एक पूरी सीरीज़ है, इसके अलावा इतने सारे पैक हैं ना, ये सब नेचुरल हैं, इनको यूज़ करेंगे तो आपके बाल धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे, बालों में मजबूती आएगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल रुकेगा और बाल भी अच्छे लगेंगे, है ना। चाहे घर में शादी है तो भी आप ये चीज़ करिए ना, घर में बना के और प्रोटीन पैक लगाइए और उसके बाद में आपके बाल काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना घर में नेचुरल, देखिए नेचुरल चीज़ों की तो बात ही अलग है ना, एंड ये ट्रीटमेंट करवा के सब लोग खुश हो जाते हैं और बाद में बाल हो जाते हैं पूरे ख़राब। तो इसलिए बस इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड यही करना चाहती थी कि अपने बालों की केयर करिए, ये फालतू की चीज़ें हैं किसी के देख के ये ट्रीटमेंट वगैरह मत करवाइए, इससे आपके पूरे बाल डैमेज हो जाते हैं, और जिस दिन गंजापन आ गया, बाल्डनेस आ गई ना, तो कोई नहीं बचा सकता, कोई उसका इलाज नहीं कर सकता, सीरियसली बता रही हूँ आपको, वही भाग दौड़ के और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर भी आपको, मैं आपको बता देती हूँ, गंजापन हो रहा है तो सीधा वो मोनोक्सोडाइल ऐसे करके एक वो आती है, उसके इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आई डोंट नो इस तरह के होते हैं, एंड वो भी कब तक ग्रोथ होती है, जब तक आप वो ट्रीटमेंट करते रहते हो, खाते रहते हो टैबलेट्स, जब तक आपकी ग्रोथ होती है, छोड़ा नहीं और ग्रोथ ख़त्म। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इनसे बचे रहिए, अपने बाल जितने हैं उतने ही बालों की केयर करिए, तो बाल और नए उगेंगे और जो झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। एंड मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी मैं आपको दे ही चुकी हूँ, तो वो सब आप लोग करिए, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट है मत कराइए, अपने बालों को हेल्दी पोषण दीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशन दीजिए, जिससे बाल हैं वो और ज़्यादा हेल्दी हो सकें। गर्मी है, समर है, तो बालों बहुत सारा पानी इनटेक करिए, क्योंकि बाल जो रफ़ हो जाते हैं ना, तो वो उसमें बाल जो है रफ़ का भी कारण एक होता है कि हाइड्रेशन नहीं होता है ना, तो आप जो पानी पीते हो उससे हमारी स्किन भी चमकती है, हमारे बाल भी चमकते हैं, उसको हाइड्रेशन मिलता है ना, तो अच्छे से पानी पीजिए आप। नारियल पानी बहुत ज़्यादा समर में मिलेगा, नारियल पानी पीजिए, उससे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। नारियल पानी का मैंने एक जूस भी आपके साथ बालों के लिए शेयर किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो यूज़ करिए। एंड इसके अलावा गर्मियाँ हैं, हफ्ते में 3 बार बालों को वॉश करिए, है ना, किसी बार का कोई भी ट्रीटमेंट मत कराइए। बाहर जाते हैं तो धूप में अगर जा रहे हैं तो धूप में अपने बालों को कवर करिए, स्कार्फ से कवर करिए, बन बना के रखिए बालों को, खुला बिल्कुल मत छोड़िए, किसको दिखाना है खुला छोड़ के। अब तो बाहर जाते हैं मास्क लगाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अब तो कई बार ऐसा होता है, मैं तो बाहर जाती हूँ ना, तो मतलब मुँह के ऊपर कुछ नॉर्मल सा लिप बाम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया और निकल ली, बस कहाँ अपने को कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क वास्क सब लगा के जाते हैं। तो बस एकदम सिंपल सा इस तरह से अपना रूटीन को बनाइए और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो करिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आई होप आप समझे होंगे कि ये ट्रीटमेंट करवाने से बाल कितने ख़राब होते हैं, बालों की क्या हालत हो जाती है। तो आप लोग हेल्दी और नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करिए, इनको करिए, इससे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर तो इतनी रेमेडीज़ है ना, इतनी DIYs है ना, आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर ऐसे इतनी DIYs, इतनी यूनिक और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव, जो कि रिज़ल्ट एक ही बार में देते हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ, तो फिर आपको इधर उधर जाकर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फ्री में काम हो रहा है तो क्यों पैसा लगा रहे हैं ना। तो बस करिए, अपने बालों की केयर करिए अच्छे से, और
अच्छे से जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सीरीज दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सीरीज करिए, बाल काफ़ी अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। ओके, और ये जो सीरीज चल रही है अभी 7 डेज की हेयर वॉश की सीरीज, इसको आप रेगुलर करिए, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, आप बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं ना, तो एक व्लॉग चैनल है मेरा, चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल, उसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ दी थी जिसमें 21 दिन की मैंने सीरीज़ आई थिंक की है वो, और 21 वीडियोस उसके अंदर है जिसमें मैंने बालों को स्ट्रेट करना, बाल जो है वो डैमेज हैं तो उन्हें रिपेयर करने के लिए, मजबूती के लिए, है ना, बालों को स्ट्रेट, शाइन, रफ, फ्रेजी, डल बालों के लिए, वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। तो आप वो जाके देखिए, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो पूरा मैंने सारी वीडियो डाल दी है ना, एक फोल्डर बना हुआ है, तो आप वो करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है आपके और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। एंड सबके साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।